हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बो और टाई बनाना। और ये बो और टाई हम अपने घर पे इजीली बना सकते हैं और टॉप में, ड्रेस में, फ्रॉक पे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये रहेगा फाइनल लुक। अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पीस लिया है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है और इसकी लंबाई 8 इंच है। और ये देखिए, सीधी साइड है ये। और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे खुली साइड की ओर। और फिर हम कोने से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे 1.5 इंच पे निशान लगाना है। अब ये जो हमने निशान लगाया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस पे हम सिलाई करेंगे। और ये बीच में हम सिलाई नहीं करेंगे। ये देखिए, ऐसे जो निशान लगाया 1.5 इंच पे, वहां तक मैंने सिलाई की है। अब हम दूसरी साइड भी, जहां तक 1.5 इंच का निशान लगाया है, वहां तक ही सिलाई करेंगे। तो ये बीच में हमारा ओपन रहेगा। ये देखिए, बस यहां तक ही मैं सिलाई कर रही हूँ। अब ये हमारा बीच में खुली साइड है। और इधर हम सेंटर से ऐसे कट का निशान लगा देंगे दोनों साइड में। ये देखिए, मैंने कट का निशान लगा दिया है। अब जो हमने सेंटर निकाला है, उस पे ऐसे बीच में, ये देखिए, ऐसे करेंगे, एकदम सिलाई को सेंटर पे ले लेंगे जो हमने कट का निशान लगाया है। और यहाँ से सिलाई का ये जो ऊपर कपड़ा है, इसको ऐसे खोल देंगे ताकि ये हमारा यहाँ से मोटा न रहे सिलाई करते टाइम। तो ये देखिए, मैंने इस कपड़े को ऊपर से ऐसे दोनों साइड में ऐसे कर दिया है। अब इसको हम दोनों साइड में सिलाई करेंगे। ये देखिए, ऐसे यहाँ से अब ये सिलाई कर दिया है। अब ऐसे ही हम अपनी दूसरी साइड में भी सिलाई करेंगे। ऐसे सिलाई कर लेना है दोनों साइड में। अब ये जो कोने हैं, इस पे छोटे छोटे हम कट लगा देंगे। देखिए, ऐसे ये कट लगा देंगे। और जो यहाँ पे खुली है, यहाँ से हम इसको पलटेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे पलट लेना है और ये इजीली ही पलट जाएगा। फिर इसके, ये देखिए, ऐसे कोई नुकीली चीज से आप ऐसे निकाल सकते हो इसके कोने। ऐसे चारों कोने अच्छे से निकालना है। ये देखिए आप, ये मैंने निकाल लिए हैं। अब ये खुली साइड है, इस साइड में ऐसे रहने देंगे ऐसे ही। और अब ये ऊपर हम इसको ऐसे सेंटर निकालेंगे इसका। ये सेंटर निकला है, इस पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। और फिर हम अपना डबल धागा लेंगे। ये आपको सेम कलर का लेना है। मैंने ये दिखाने के लिए लिया है, ये दूसरे कलर का। अब जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, इस पे हम नॉर्मल सिलाई करेंगे, हाथ सिलाई। ऐसे नॉर्मल हाथ से सिलाई करनी है। ये देखिए, ऐसे बराबर सिलाई कर लेना है। ये जो हम नॉर्मल सिलाई करते हैं, वैसे ही करनी है। ऐसी सिलाई करने के बाद अब हम इधर से अपने धागे को ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपनी ओर खींचेंगे, तो ये अपने आप ऐसे चुनगटे इसमें आ जाएंगे। और फिर ऐसे टाइट करके धागे को इसके ऊपर ऐसे प्लेट देंगे। देखिए, ऐसे पलटना है इस धागे को। और इधर से हम ऐसे सुई को, ये देखिए, फिर ऐसे टाइट घुमा के इसमें आप सिलाई भी कर सकते हो और इसके ऊपर घुमा भी सकते हो। ये देखिए, ये ऐसे। अब ये मैंने दूसरा लिया है पीस, इसकी चौड़ाई 1 इंच है। और इसको ऐसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे दोनों साइड में। ऐसे फोल्ड कर लिया है मैंने। अब जो हमने पहले इस पे अपने बो पे सिलाई की थी, इसी के ऊपर इसको ऐसे लगाएंगे। तो ये देखिए, एक साइड से ऐसे लगा के फिर ऐसे दूसरी साइड से हम लेके थोड़ा सा इसको फोल्ड करने के लिए रखेंगे और बाकी हम कपड़ा कट कर देंगे। और इसको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड किया। और फिर जो ये हमारा, देखिए, जो धागा है, इसी धागे से हम इस पे सिलाई कर देंगे। देखिए, ऐसे इसको सील लेना है। तो ये जो हमने ये कपड़ा लिया है, इसी को सीलना है। ये देखिए, और यहाँ से धागा कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये बन गया हमारा बो। अब कितना सुंदर बो बना है, इसको हम अपने ड्रेस में, फ्रॉक में ऐसे लगा सकते हैं। अब हम बनाएंगे टाई। ये लिया मैंने चौड़ाई इसकी 4 इंच और इसकी लंबाई ली है 12 इंच। ये मैंने दूसरा पीस लिया है। तो ये देखिए, ऐसे इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके फिर इसको हम एक फोल्ड और करेंगे। ये देखिए, ऐसे।
अब ये खुली साइड है, इस साइड में हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए इधर 1 इंच पे निशान। अब जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाए, ऐसे कोने से तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब यहाँ 1.5 इंच पे लगाया है और 1 इंच पे इसको भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम सिलाई मार्जिन का थोड़ा सा छोड़ के फिर हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ये देखिए आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ऐसे कट करना है फ्रेंड्स। ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से रहेगा। अब ये अंदर है सीधी साइड, ये सीधी साइड है मेरी, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके और हम बीच में 2 इंच सिलाई नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं पहले। तो ये जो हमने निशान लगाया 2 इंच का, इस पे हम सिलाई नहीं करेंगे और यहाँ बंद साइड से स्टार्ट करके हम सिलाई करेंगे। ये देखिए बंद साइड से ऐसे कोने से ऐसे सिलाई करना है और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ तक ही सिलाई करना है। ये देखिए अब हम ये 2 इंच का यहाँ पे छोड़ देंगे। अभी दूसरी साइड में हम फिर कोने से ऐसे बंद साइड से सिलाई करेंगे और यहाँ जो निशान लगाया है यहाँ तक ही हम सिलाई करेंगे। अभी हमारा बीच में 2 इंच का खुला रह गया है। ये देखिए यहाँ से हमारा खुला है 2 इंच का। अब यहाँ से हम इसको पलट लेंगे, धीरे धीरे पलटना है फ्रेंड्स, ऐसे पलट लेंगे। तो इसके अब हम कोने निकालेंगे, कोई नुकीली चीज से आप ऐसे कोने निकालना है, अच्छे से कोने निकालना है इसके। ये देखिए ऐसे, और दूसरी साइड भी हम कोने निकाल लेंगे और फिर इस पे प्रेस कर लेना है। और अब जो ये देखिए हमने जितना अंदर की साइड इसको ऐसे फोल्ड करके फिर ये जो बची हुई है इस पे भी हम सिलाई कर देंगे। ऐसे सिलाई कर लेना है और प्रेस कर लेना है। ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसको हम ऐसे थोड़ा सा तिरछा रख के ऐसे अपनी ड्रेस में लगा सकते हैं। और अब अपना ये बो लेंगे हम और इसको अब इस पे टाइप पे हम सिलेंगे साथ में। ये देखिए ऐसे, अब इसको ऐसे रखेंगे और सिलना है। यहाँ भी हम इसको अटैच कर लेंगे बो के ऊपर इस टाई को, तो फिर हम अपनी ड्रेस में इसको लगा सकते हैं, फ्रॉक में, टॉप में, कोई भी ड्रेस में लगा सकते हैं, उससे ड्रेस का लुक अच्छा लगता है। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ये देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक। थैंक यू फ्रेंड्स।